हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वन हमारा चल रहा है। उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज 1.4 में आ गए हैं। इसमें हमें सिंपलीफाई करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप शुरू से शुरू कर दोगे, पहले इसको सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ये रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। इस रूल का शॉर्ट फॉर्म है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, BODMAS। इसको बोलते हैं बोर्ड मास। क्या रूल बोलते हैं? बोर्ड मास। क्या रूल बोलेंगे? बोर्ड मास। अब इसका मतलब क्या है? बोर्ड मास में जो बी होता है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। अब अलग अलग चीज आती है ब्रैकेट में, जिनमें हमें पहले किसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बार। इसको क्या बोलते हैं? बार। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है बार को। सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है? बार को। जैसे ये क्वेश्चन में बार लगा हुआ है ना, तो सबसे पहला काम है हमें बार को सॉल्व करना। बार के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सेकेंड काम होता है ये वाला, एक ब्रैकेट होता है ऐसा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। आप ये लिख लेना, इसी सीरीज में हमें सॉल्व करना है। BRACKET है ना, ई है ये स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? बार को। फिर उसके बाद किसको सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट को। फिर स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमें किसको सॉल्व करना है? थर्ड नंबर पे आता है, इस तरह का ब्रैकेट बना होता है, आपने देखा होगा, ये एक तरह का ब्रैकेट है। इसका नाम है कर्ल ब्रैकेट, या इसको कर्ली ब्रैकेट भी क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कर्ल ब्रैकेट। तो उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे किसको सॉल्व करना है? कर्ल ब्रैकेट को। किसको सॉल्व करना है? कर्ल ब्रैकेट को। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, एक और तरह का ब्रैकेट होता है, ये इस तरह का ब्रैकेट आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? BIG, बिग ब्रैकेट। BRACKET, ये होता है बिग ब्रैकेट। बिग यानी बड़ा ब्रैकेट, है ना, बिग ब्रैकेट। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले बी ब्रैकेट्स होते हैं, पहले सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ल ब्रैकेट को, और उसके बाद क्या होता है? बिग ब्रैकेट को। फिर नेक्स्ट होता है ओ। ओ यानी होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन आपने देखे होंगे, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सप्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार ऑपरेशन होते हैं। तो इनमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ओ यानी, ओ का मतलब क्या है? OPRATION, ये होता है ऑपरेशन। ठीक है, अब ऑपरेशन में सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है? तो लिख रखा है डी यानी क्या है? डिवीजन। डी यानी डिवीजन। तो सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है? डिवीजन को। डिवीजन यानी ये डिवाइड। ठीक है, सेकंड है, सेकंड किसको करना है? मल्टीप्लिकेशन। एम लिख रखा है ना, मल्टीप्लिकेशन, PLICATION, मल्टीप्लिकेशन। यानी उसके बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। थर्ड हमें किसको सॉल्व करना है? देखो ए लिख रखा है, ए यानी एडिशन, ADDITION, एडिशन यानी प्लस। फिर फोर्थ नंबर पे हमें किसको सॉल्व करना है? सबसे लास्ट में क्या लिख रखा है? सब्ट्रैक्शन यानी हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका हो गया। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट में कुछ भी हो, यानी सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब अगर बार में हो तो पहले बार सॉल्व करना है, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को, और उसके बाद फिर ये सब ब्रैकेट खुल जाएंगे। तो उसके बाद अगर कुछ ऑपरेशन बचते हैं तो सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, और फिर क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो ये कॉपी में आप क्या कर लेना? लिख लेना। और उसके बाद हम अब इस क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। यानी सबसे पहला
सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आप देख ही रहे हो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हम इसको रब कर देते हैं। तो हमने इसको रब कर दिया, अब हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त हमें सबसे पहले बी ओ डी एम ए एस ये रूल का क्या रखना है, याद रखना है। तो सबसे पहले बी ब्रैकेट देखना है हमें, तो ब्रैकेट में भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले बार है, तो बार सोल्व करना है। तो सबसे पहले बाकी सबको ऐसे ही लिखो, 80 प्लस क्या हो जाएगा 6, बाकी सबको आपको ऐसे ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, ये ब्रैकेट लगाना है। अब बार सोल्व करो, तो बार में क्या है 8 × 3, तो 8 × 3 से क्या होता है 24, तो यहाँ माइनस लग रहा है 24 प्लस, फिर बाकी वो का वही लिखना है, कुछ भी नहीं करना, प्लस 100, ठीक है, यही है क्वेश्चन। अब देखो, अब ब्रैकेट सॉल्व करना है क्योंकि बार सॉल्व हो गया, तो उसके बाद क्या सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। तो देखो माइनस 80 सब ऐसे ही लिखो, प्लस 6 × अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सिंपल है। अब 24 में से 20 गया तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, लेकिन अब 24 बड़ा है और इसके आगे माइनस लग रहा है तो क्या आएगा माइनस का 4, तो ये हो गया आंसर माइनस 4, फिर प्लस क्या लिख देंगे 100। अब ये सारा सॉल्यूशन हो गया, अब हमें पता है कि प्लस भी है मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो डिवाइड तो है ही नहीं, तो डिवाइड नहीं है तो डिवाइड तो करना ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो माइनस 80 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो प्लस लगाएंगे, फिर देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 जाए क्या आएगा 24, लेकिन अब ये माइनस का इसलिए क्या लगेगा माइनस का 24, फिर क्या लिखेंगे प्लस 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो माइनस का 80 प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा 24, क्योंकि ये तो बाहर निकालना पड़ेगा हमें, प्लस क्या है 100। अब हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हमें पता है कि एडिशन करना है, तो इन दोनों का एडिशन कर देते, ये तो माइनस का 80 है, इसको ऐसे रहने दो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 100 में से 24 को माइनस करना है, तो 100 में से 24 गया तो क्या आएगा 76, कितना आएगा 76, अगर हम 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76, लेकिन अब 100 प्लस का है तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा प्लस का। अब हमें इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 80 में से 76 गया तो क्या आएगा 4, लेकिन 80 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस का 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, अब हम सिंप्लीफाई के सेकेंड क्वेश्चन में आ गए। देखो पहले ब्रैकेट सब सॉल्व करो, फिर उसके बाद ही बाकी सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बाकी लिखो 39, क्योंकि अब आपको दिख ही रहा है इसमें बार है, तो सबसे पहले तो बार ही सॉल्व होगा, तो बाकी सबको तो ऐसे ही लिखना है 39, ठीक है, 9 है माइनस, फिर ये बिग ब्रैकेट होता है 23 माइनस, फिर ये कर्ली ब्रैकेट होता है 29, फिर माइनस, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है 17 माइनस 3, फिर ये बार लग रहा है, सॉरी बार को तो सॉल्व ही कर देते, क्वेश्चन तो वैसे ही लिखा हुआ है ना, तो बार को सॉल्व ही कर देते, 9 में से 3 गया तो 6, तो यहाँ पे हो गया 6, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर ये कर्ली ब्रैकेट लग रहा है, फिर ये क्या लग रहा है बिग ब्रैकेट लग रहा है, अब 39। अब उसके बाद क्या करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो बाकी को ऐसे ही लिखो 29 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट, तो 17 में से 6 गया तो क्या आएगा 17 में से 6 गया तो 11, तो यहाँ 11 लिख दिया हमने, फिर ये वापस सारे ब्रैकेट्स क्लोज, फिर 39। अब स्मॉल के बाद क्या होता है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 23 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 29 में से 11 गया तो 9 में से 1 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, तो 18, फिर ये ब्रैकेट लग गया। अब उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा 39 माइनस, अब 23 में से 8 गया तो क्या आएगा 5,
अब बचा यही, तो अब यही करना है सॉल्व। अब इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं देखना, अब तो यही बच रहा है 39 में से 5 गया, 39 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 34। तो ये हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। फिर हम आते हैं अब थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या इसमें बार है क्या, तो आपको दिख रहा है बार तो है ही नहीं। अब दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो ये -6 ही है, तो ये -6 बार आ जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे -6। प्लस लिखेंगे 5 हो जाएगा, फिर क्या है डिवाइड है, फिर इसको भी बाहर निकालेंगे तो -2 आ जाएगा बाहर, फिर प्लस क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। अब देखो प्लस माइनस क्या हो रहा है, अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट भी नहीं है, कर्ली भी नहीं है। प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 5 गया तो क्या आएगा 1, लेकिन 6 बड़ा है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड। फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस का 1। अब अगर माइनस 1 को, माइनस माइनस तो भूल जाओ, 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, अगर 1 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा 1। तो ये सिंपल इसका क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे कौन से क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। सब इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा फॉर्मूले के हिसाब से करना, अपनी मर्जी के हिसाब से, पहले मैंने उसको कर दिया ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले अब इसमें बार दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बार, तो बाकी सबको ऐसे कैसे ही लिखना है हमें। अब आ गए हम बार में, तो 25 में से 25 गया तो 0, तो ये 0 आ गया, और बाकी सारे ब्रैकेट को ऐसे ही लगा दिया। फिर लिखा 25। अब बार के बाद क्या होता है सॉल्व, स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ आ गए हम स्मॉल ब्रैकेट, 25 में से 0 गया तो कितना आएगा 25, क्योंकि किसी को भी 0 से करेंगे तो वो का वही आएगा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 25 माइनस, फिर ये बिग ब्रैकेट 25। अब ये कर्ली ब्रैकेट तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि अकेला 25 है, तो 25 बार आ जाएगा, ये तो ऐसे ही हट जाएगा। अब 25 में, अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 25 में से 25 गया तो क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा। अब लास्ट में तो क्या, 25 में से 0 गया तो क्या आएगा 25, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने फोर क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर हमने फुल कंप्लीट कर लिया, लास्ट में बोर्ड मास रूल भी सीख लिया, और बोर्ड मास रूल से हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई करके चारों क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियो पसंद आए होंगे, और आशा करता हूँ कि आपने इन सारे एक्सरसाइजों को अच्छे से सॉल्व भी कर लिया होगा, और बिना देखे भी सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।